पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 22 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित की गई, जिसमें महिला व पुरुष वर्ग शामिल है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंगलवार को महिला वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर की दौड़ करवाई गई। सहायक जिला खेल शिक्षा अधिकारी जसवीर सिंह का कहना है कि पलवल में जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, फुटबॉल, हैंडबॉल व एथलेटिक खेल शामिल है। मंगलवार को महिला वर्ग में 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर की रेस करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 20 स्कूलों की लड़कियां भाग ले रही हैं। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के बाद 19 अगस्त से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये हमारी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है और ये पिछली 22 तारीख से हमारी स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारे पहले लड़कों की प्रतियोगिता हुई थी और अब कल से हमारी लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिता चल रही हैं, जिसमें हमारे विभिन्न गेम हैं, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है और आज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता, जिनमें हमारी दौड़, इसमें हमारी लगभग 10 से 15 स्कूलों की जो लड़कियाँ भाग ले रही हैं। और इसके बाद 19 तारीख से हमारी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। ये हमारी विभिन्न जिलों में होंगी, सभी जिलों में हमारे अलग अलग रखी गई हैं। कहीं हमारे जैसे कि फरीदाबाद में हम आर्चरी की और योगा की प्रतियोगिता होगी, भिवानी में हमारी दौड़े हैं, सोनीपत में हमारी कबड्डी की प्रतियोगिता, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में हमारी अलग अलग प्रतियोगिता ये तय हुई है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।